थैंक यू निलेश, थैंक यू विधि. सो जियोपॉलिटिकल, पहले वर्ड्स हम लोग देख रहे हैं. जियोपॉलिटिकल रिलेटिंग रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ जियोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस ऑन पावर. तो जियोपॉलिटिकल होती है भू राजनीतिक, जमीनी राजनीति से जुड़े हुए जो इशू होते हैं उसको हम कहते हैं जियोपॉलिटिकल. और उसके बाद अगला वर्ड आता है सेक्टेरियन. सेक्ट जो संबंध होता है वो संप्रदाय से संबंध रखता है. सेक्टेरियन होता है सांप्रदायिक. बिलोंगिंग और रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेक्ट, यानी सांप्रदायिक से संबंधित है, किसी भी धर्म या संप्रदाय से संबंधित है. फॉल्ट लाइन. फॉल्ट लाइन तो वैसे तो जियोलॉजी का शब्द है, जियोग्राफी चल रही है तो जियोलॉजी इज वन पार्ट. जब भी आप देखते हैं जियोलॉजी में जो चट्टानों के बीच में दरारें होती हैं उनको फॉल्ट लाइंस कहा जाता है, या जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनके बीच में जो दरारें होती हैं उनको फॉल्ट लाइन कहा जाता है. लेकिन फॉल्ट लाइन का अर्थ मानवीय संबंधों में क्रैक्स या डिफरेंसेस होता है, दरार या मतभेद को भी हम क्या कहते हैं, फॉल्ट लाइन कहते हैं. जहाँ पे विवाद होने की संभावना है उसको भी हम कहते हैं कि आपका जो है कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन है या कहीं ना कहीं मतभेद है. उसके बाद अगला आपका आता है फॉर्च्यून. फॉर्च्यून जो शब्द है वो होता है एट चांस और लक. ये भाग्य या चांस को भी कह सकते हैं, या ए लार्ज सम ऑफ मनी और एसेट्स, एक बहुत बड़ी संपत्ति आपके पास होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, भाग्य या संपत्ति के तहत ही आ जाता है. प्रेडिसेसर्स होते हैं जो हमसे पहले आके गए हैं, पूर्वज या पूर्वाधिकारी होते हैं. प्री का मतलब पहले, सीड का मतलब जो हमसे पहले आके चले गए, प्रेडिसेसर्स होते हैं. फोर फादर भी कह सकते हैं, पूर्वज या अग्रज भी कह सकते हैं. अगला वर्ड है हाइड आउट. हाइड आउट आपका होता है जो छुपने की जगह होती है, शरण लेने की जगह होती है, उसको हाइड आउट कहा जाता है. अगला वर्ड है कैलिफेट. कैलिफेट जो शब्द होता है वो इस्लामिक थियोलॉजी से आता है. वहाँ पे जो उनका सम्राट होता है, राजा होता है, उसको खलीफा कहते हैं. और ऐसी लैंड जो खलीफा के द्वारा रूल्ड हो उसको कैलिफेट या खिलाफत कहा जाता है. अगला वर्ड है आपका इंसर्जेंसी. इंसर्जेंसी होती है रिवोल्ट, यानी एक्ट ऑफ रिवोल्टिंग अगेंस्ट ए गवर्नमेंट और रूल, सत्ता के खिलाफ जो विद्रोह होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंसर्जेंसी कहते हैं. तो इंसर्जेंसी होता है विद्रोह, या आतंकवाद भी होता है इंसर्जेंसी. इन दो तीन चीजों का ध्यान रखिएगा. उसके बाद अगला वर्ड आपका आता है कॉन्फेडरेशन. कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेट, कॉन्फेडरेसी, ये दो तीन शब्द आते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है. कॉन्फेडरेसी पर्टिकुलर जो शब्द है वो ऐसे लोगों का या देशों का समूह होता है जिसके सेम पॉलिटिकल या बिजनेस एम है, उसको हम कहते हैं कॉन्फेडरेसी. एक संघ बना लेते हैं, जैसे यूएसएसआर था, कॉन्फेडरेसी था, संघ था. तो कुछ लोग जैसे नेटो है, नेटो भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक संघ है, कॉन्फेडरेसी है. तो ऐसे लोग अपने संघ या संगठन बना लेते हैं जो जो साथ में काम करते हैं पॉलिटिकल रीजंस के लिए. अगला वर्ड आता है इन्फ्लक्स. इन्फ्लक्स आता है जहाँ पे बहुत से लोग एक साथ किसी जगह पे आ जाते हैं उसको इन्फ्लक्स कहते हैं. तो इन्फ्लक्स आता है बहुत से लोगों का एक साथ आ जाना, उसको इन्फ्लक्स कहा जाता है. तांता है या अंतर्प्रवाह है, बहुत से लोग एक साथ एक जगह पे आ जाते हैं. अगला वर्ड है इनकॉर्पोरेट. इन का मतलब भीतर, कॉर्प का मतलब बॉडी या संगठन, किसी को संगठन के भीतर लेना या संगठन बनाना, दोनों ही शब्द होते हैं, बॉडी का गठन करना. तो टू इंक्लूड और टू सेटअप ए कंपनी, शामिल करना या कंपनी का गठन करना या गठन करना, दोनों तीनों तरह के शब्द इसमें आते हैं. अगला वर्ड है सेटबैक. सेटबैक है ए रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस. आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, प्रोग्रेस हुई नहीं, कोई बाधा आ गई, उसको सेटबैक कहते हैं. जैसे आज
हमारे स्ट्रीमिंग का बीच में वॉइस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, तो उसको हम कहते हैं एक सेटबैक है, बाधा है या नाकामयाबी है। अगर कंटिन्यूस सेटबैक है तो उसको हम बाधा या नाकामयाबी भी कह सकते हैं। तो ये आपका एक शब्द है। उसके बाद अगला आता है वूंड। इसको बहुत से लोग वाउंड बोलते हैं, इसको वूंड बोलना है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वूंड के तौर पे प्रोनाउंस किया जाता है ये वाला शब्द। वूंड होता है कोई घाव होता है, इंजरी हो जाती है आपके, उससे आपके जो टिश्यूज़ हैं मांसपेशियाँ या उत्तक डैमेज हो जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ स्पेस बन जाता है और वहाँ पे कीटाणु लगने से हेल्थ को नुकसान हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं वूंड, घाव या टिश्यूज़ को जो नुकसान हुआ है, इंजरी भी कहते हैं इसको। तो बहुत से लोग इसको इंजूरी प्रोनाउंस करते हैं, इंजरी है लेकिन इंजूरियस होता है वो ज़रूर ज्यूरी के तौर पे प्रोनाउंस होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये घाव है हो जाता है। लिंगरिंग, जो लिंगर करता है, रेंगता रहता है इधर उधर, लॉन्ग लास्टिंग है और स्लो टू एंड, ख़त्म ही नहीं होके दे रहा, उसको लिंगरिंग कहते हैं। विलंबित है या सुस्त है, स्लो मूवमेंट होता है किसी चीज़ में, तेज़ मूवमेंट नहीं होता, उसको हम कहते हैं लिंगरिंग। अगला वर्ड आता है वैनिश, डिसअपियर हो जाता है अचानक से कम्प्लीटली, उसको कहते हैं वैनिश, गायब होने के लिए आता है। इस आर्टिकल में दो फ्रेजल वर्ब भी आती हैं। पहला आया है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, कोई भी टास्क को परफॉर्म करना या उसका निस्तारण करना, पूर्ण करना। अगला है ब्लो अप। ब्लो अप के वैसे तो कोई अर्थ होते हैं, ब्लो अप का मतलब विस्फोट भी होता है, ब्लो अप का मतलब नाउन के तौर पे भी आ जाता है, ये फ्रेजल वर्ब भी नहीं नाउन भी होता है। ब्लो अप जो होता है, मान लीजिए कोई कांड है किसी का, वो खुल गया, वो भी ब्लो अप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टू एक्सप्लोड और टू लूज वन्स टेम्पर दोनों होता है, टू एक्सप्लोड और टू लूज वन्स टेम्पर, तो विस्फोट होना और किसी की गुस्से का विस्फोट हो गया, एकदम से भड़क गया, तो वो भी क्या होता है, फ्रेजल वर्ब भी होता है। उसके बाद अगला है आपका आर्टिकल आता है हमारे सामने द हिंदू का, ये पढ़ते हैं। डेथ ऑफ अ टेररिस्ट, एक टेररिस्ट की मृत्यु है। ऑन द डेथ ऑफ अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी, अल कुरैशी भाई साहब का नाम क्या, पूरे गांव का नाम एक साथ लेके घूम रहे हैं। अबू इब्राहिम, इब्राहिम के पापा हैं ये, अल हाशमी, अल हाशमी, दी हाशमी, दी कुरैशी, दी कुरैशी, ये अल का मतलब अरेबिक में शायद द होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, तो अरेबिक का जो आर्टिकल अल है इसका मतलब होता है द, तो ये कृपया ध्यान रखिएगा एक। उसके बाद है जियोपॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस। जो जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉल्ट लाइंस की बात कर रहे हैं, जो भू राजनीतिक और सांप्रदायिक जो खाई हैं या मतभेद हैं या क्रैक हैं इन इराक एंड सीरिया, इराक और सीरिया में एनहांस बढ़ाते हैं द थ्रेट फ्रॉम द आईएस, आईएस से थ्रेट को बढ़ाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। द डेथ ऑफ अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी, डेथ हुई है अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी की, द लीडर ऑफ इस्लामिक स्टेट, ये इस्लामिक स्टेट जो आतंकवादी संगठन है जिसको दाइश भी कहते हैं अरबिक लोग, उसका लीडर था ये। हैज़ कम एट अ टाइम, ऐसे समय पे आया है, व्हेन द टेररिस्ट आउटफिट, जब संगठन, यहाँ पे आउटफिट, देखिए आउटफिट का अर्थ आवरण भी होता है और आउटफिट का अर्थ संगठन भी होता है, बॉडी भी होता है। हैज़ बीन ट्राइंग टू रिवाइव, कोशिश कर रहे हैं रिवाइव करने का, पुनर्जीवित करने का, इट्स फॉर्च्यून्स, अपने भाग्य का, अपनी संपत्ति का, इन इराक एंड सीरिया, इराक और सीरिया में, इट्स कोर रीजन, ये इनका केंद्रीय क्षेत्र है। अ फ्यू वीक्स अर्लियर, कुछ समय पहले, आईएस मिलिटेंट्स, जो आईएस के जो मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, मिलिटेंट्स का अर्थ आतंकवादी होता है, मिलिशिया होता है, लड़ाके होते हैं, हैड कैरीड आउट, कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट किया,
पूर्ण किया, एन एम्बिशियस अटैक, बहुत ही, देखिए एम्बिशियस का अर्थ कई जगह दुस्साहस का भी देता है, वैसे तो एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी, तो एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी अटैक तो मैं नहीं कहूंगा, दुस्साहसी अटैक में क्या महत्वाकांक्षी होगा। देयर लार्जेस्ट सिंस डेथ ऑफ अबू बकर अल बगदादी, अबू बकर अल बगदादी इनका पहला चीफ था जिसको यूएस ने मार डाला था, उसकी मृत्यु के बाद आईएस फाउंडर, जो आईएस का फाउंडर भी था जिसने आईएस को खड़ा किया संगठन को, उसकी नींव डाली इन 2019 में ऑन अ प्रिजन, एक एम्बिशियस अटैक किया है प्रिजन पे इन नॉर्थ ईस्टर्न सीरियाज हश्का, नॉर्थ ईस्ट है सीरिया का प्रोविंस, उसके हस्का में ये इन्होंने अटैक किया है, टू फ्री थाउजेंड्स ऑफ जिहादिस्ट्स, हजारों जिहादियों को मुक्त करवाने के लिए जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं उनको उनको छुड़वाने के लिए हमला किया है। तो यहाँ तक क्या कह रहा है कि आईएस मिलिटेंट्स ने एक बड़ा अटैक किया है, पर्पज़ था जिहादियों को छुड़वाने का, और कब से जो अबू बकर बगदादी था जिसने आईएस की नींव रखी, दाइश की नींव रखी, उसकी मृत्यु के बाद ये बड़ा अटैक बता रहे हैं। बट इट वॉज़ अ फेलियर, ये असफल रहा, एज अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकी सैनिकों ने जॉइंड द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज, कुर्दिश मिलिशिया, जो कुर्द लड़ाके हैं वहाँ पे, कुर्द लड़ाकों का जो संगठन है उसको SDF कहते हैं, सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, कुर्दिश लड़ाके हैं, मिलिशिया है, मिलिशिया लड़ाके होते हैं, भाड़े के जो सैनिक होते हैं उनको भी मिलिशिया कहा जाता है, याद रखिएगा, टू पुश बैक, पीछे धकेलना द मिलिटेंट्स, तो मिलिटेंट्स को पीछे धकेल दिया, SDF के लड़ाकों के साथ वो लड़ रहे थे, साथ में अमेरिकन सैनिक भी आ गए, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया और उनको पीछे धकेल दिया, अमेरिकन सैनिक अभी भी हैं ज़मीन पे सीरिया में, सो ये यहाँ पे है। कुरेशी ब्लू हिमसेल्फ अप अलॉन्ग विद हिज फैमिली, उसने अपने परिवार के साथ खुद को उड़ा लिया, कबूम गया, लाइक हिज प्रीडिसेसर, जो अपना प्रीडिसेसर था इसका, जो पूर्वज था, पूर्वज उनसे पहले जो मतलब पूर्वाधिकारी भी होता है, तो इससे पूर्व जो अधिकारी था, डिड 3 years ago, 3 साल पहले जैसा उसने किया, वेन दी US स्पेशल फोर्सेज, जब अमेरिका के स्पेशल फोर्सेज अप्रोच्ड हिज हाइड आउट, उसकी छुपने की जगह पे पहुंचे, इन इडलिब प्रोविंस है वहां पे सीरिया में, द प्रोविंस कंट्रोल्ड बाय जिहादिस्ट, ऐसा प्रोविंस जिसको जिहादी कंट्रोल करते हैं, लिंक्ड विद अलकायदा, अलकायदा जो आतंकवादी संगठन है, इडलिब पे अभी भी उनका प्रभाव है। तो ये कहना चाह रहा है कि वैसा ही कार्रवाई उसने करी जैसे उसके पूर्व अधिकारी जो हैं उन्होंने करी 3 साल पहले, जब अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज ने उसको घेर लिया था उसके छुपने की जगह पे, इडलिब प्रोविंस में। ये इडलिब जो प्रोविंस है ये ज़्यादातर यहाँ पे जो है ये जिहादी नेटवर्क्स इसको कंट्रोल करते हैं, जिसमें अलकायदा के ज़्यादातर जो हैं वो आतंकवादी हैं, बहुत से वहाँ पे आतंकवादी संगठन है, अलकायदा है, अलनुसरा है, IS है, बहुत से इनके आपस में कोऑर्डिनेशन भी है, इनके आपस में भी पंगे चलते रहते हैं। When he became the IS chief, जब वो IS chief बना, the entity had transformed itself from a caliphate with control over some key cities in Iraq and Syria. जब वो इसका मुखिया बना था तो ये जो इनकी सो कॉल्ड कैलिफेट है, जिसको एक खिलाफत कहते थे, इस्लामिक रूल जिस इलाके में होता है, जिसका एक खलीफा होता है उसको खिलाफत कहते हैं, विद कंट्रोल ओवर सम की सिटीज़, कुछ मुख्य शहरों पे, की का अर्थ ज़्यादातर मुख्य के तौर पे आता है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, इराक और सीरिया में, इनटू एन अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी, ये एक अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी थी जिसे हम अंडरवर्ल्ड की तरह ऑपरेट करती थी, सामने नहीं आती थी, विद ग्लोबल एम्बिशंस, इनके ग्लोबल एम्बिशंस थे या ग्लोबल ब्रांचेज कह सकते हैं, ग्लोबल ब्रांचेज थी इनकी अंडर कुरेशी, कुरेशी के अंडर में दी IS कंटिन्यूड, IS जारी रहा टू ऑपरेट लाइक अ लूज कॉन्फेडरेशन, एक ढीला ढाला संगठन जो कहीं से कभी स्पोरेडिक एक्टिविटी कर दी, कहीं दूसरी जगह कर दी, ऑफ ऑटोनोमस नेटवर्क्स, स्वायत्त शासी नेटवर्क्स हैं जो अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम करते हैं, ज़रूरी होती तो कोऑर्डिनेट करते हैं, नहीं तो नहीं, हैं सभी ऑटोनोमस लेकिन एक कॉन्फेडरेशन है इनका, एक संघ है।
इट्स अफगान एंड वेस्ट अफ्रीकन ब्रांचेज, इसकी अफगानिस्तान में भी ब्रांचेज हैं और इसकी वेस्ट अफ्रीका में भी, जो पश्चिमी अफ्रीका है। पश्चिमी अफ्रीका में आप नाइजीरिया साइड जो वहाँ पे है, वहाँ पे बोको हराम जैसे कुछ संगठन हैं, वो अपने आतंक फैलाते रहते हैं। आप शायद उनका नाम पहले सुन चुके होंगे, बोको हराम है ऐसे संगठन को, अल नुसरा है जो इधर इसमें लीबिया और ये जो यमन वाले इलाके में ऑपरेट करते हैं, ऐसे इनके बहुत से संगठन हैं। वेस्ट अफ्रीकन ब्रांचेज एक्सपेंडेड ऑपरेशंस, इन्होंने अपने अपने जो है कार्रवाइयाँ वो विस्तारित की हैं। वाइल इन इराक, इराक में एंड सीरिया में इट स्टेज्ड ओकेजनल अटैक्स, ये ओकेजनल अटैक करते रहते हैं इराक और सीरिया में। स्टेज करना, प्रदर्शित करना भी होता है, डिस्प्ले करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूट करने से हैं। अ रिमाइंडर, ये हमें याद दिलाता है दैट इट इज़ ओनली द फिजिकल कैलिफेट, कि केवल जो फिजिकल जो है वो भौतिक, जिनकी कोई अपनी जो फिजिकल, जिसके पास अपनी कोई टेरिटरी होती है, आई एम सॉरी कोई एक वियर्ड कमेंट आया, मैं उसको देखने लग गया। एक इनकी फिजिकल जो टेरिटरी है यानी कि इनका भौतिक क्षेत्र तो अब कोई रहा नहीं, हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, जो भौतिक क्षेत्र तो इनका डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये एक कोऑपरेटिव के तौर पे, एक कॉन्फेडरेशन के तौर पे, लूज कॉन्फेडरेशन के तौर पे आपस में ऑपरेट करते हैं। अगला है, इट इज़ मोर देन अ कोइंसिडेंस, ये एक कोइंसिडेंस से ही ज़्यादा है दैट बोथ बगदादी, कि दोनों बगदादी एंड कुरेशी वर हाइडिंग इन सीरियाज इडलिब, कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है जहाँ पे दोनों बगदादी और कुरेशी दोनों ही हाइड कर रहे हैं, कहाँ पे, सीरियन टेरिटरी में। द सीरियन गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, सीरियन गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं टू रिकैप्चर द टेरिटरी, टेरिटरी को रिकैप्चर करने के जस्ट होल्ड ऑन सेक, इट इज़ मोर देन ए कोइंसिडेंस, ये संयोग ही है, ये संयोग से ज़्यादा ही है दैट बोथ बगदादी एंड कुरेशी वर हाइडिंग इन सीरियाज इडलिब, कि बगदादी और कुरेशी दोनों ही सीरिया के इडलिब में मिले। सीरियन गवर्नमेंट्स एफर्ट, सीरियन गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं टू रिकैप्चर करने का द टेरिटरी हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, टेरिटरी को रिकैप्चर करने के इसके जो प्रयास है वो सफल नहीं रहे हैं, एज देर इज स्ट्रॉन्ग रीजनल अपोजिशन, कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रीजनल अपोजिशन है, बहुत ही ताकतवर क्षेत्रीय विरोध है, स्पेशली फ्रॉम टर्की विच फियर्स अनदर रिफ्यूजी इनफ्लक्स, खासकर टर्की से जिसको डर लगता है कि बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज का तांता लग जाएगा मेरे यहाँ पे, इनफ्लक्स मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं से आना। द प्रोविंस इज कंट्रोल्ड बाय हयात तहरीर अल शाम, ये जो प्रोविंस है ये जो इलाका है, प्रांत है, प्रोविंस का प्रांत होता है, जिसको हयात तहरीर अल शाम कंट्रोल करता है, अ ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी आउटफिट यानी संगठन की उपाधि मिली हुई है, घोषित किया हुआ है, दैट वॉज फॉर्मरली नोन एज जबात अल नुसरा, हयात तहरीर का एक कोई संगठन है जिसको जबात अल नुसरा के नाम से जानते थे, वही इस टेरिटरी को कंट्रोल करता है, इसको भी आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। द सीरियन ब्रांच ऑफ अलकायदा, जो अलकायदा की सीरियन ब्रांच है, सीरिया में अल नुसरा जो है वो ऑपरेट करता है। इडलिब इज नाउ रन बाय अबू मोहम्मद अल जुलानी, द अलकायदा मिलिटेंट, इडलिब को जो अब जो रन करता है, कंट्रोल करता है, चलाता है, वो है अलकायदा का मिलिटेंट है मोहम्मद अल जुलानी, हु वॉज सेंट टू सीरिया, जिसको सीरिया भेजा गया था बाय बगदादी के द्वारा इन 2013 में। अच्छा, अभी तक ये नहीं निपटा है, बाकी एक दो तो निपट गए। इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ सिविल वॉर, शुरुआत के दिनों में जब सिविल वॉर शुरू हुई थी, सीरियन सिविल वॉर शुरू हुई थी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सीरियन सिविल वॉर से पहले वहाँ पे 4 साल अकाल पड़ा, करंट गवर्नमेंट से लोग नाराज थे, मिलिटेंसी शुरू हो गई, लॉलेसनेस हो गई, दुनिया के आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन गया, उधर इराक वाला मसला चल ही रहा था,
तो वहाँ से इराक और सीरिया से और लेवेंट का जो पहले ISIL ऐसा कुछ संगठन बना, बाद में उसको IS कहा गया, इस्लामिक स्टेट, और उन्होंने गजब का आतंक मचाया। फिर बगदादी मारा गया, फिर अभी ये कुरेशी मारा गया है। तो ऐसे चलता रहता है वहाँ पे कार्यक्रम। तो उसको टू ओपन ब्रांच ऑफ हिज आउटफिट, तो बगदादी ने 2013 में उसको सीरिया भेजा था। किसको? इस श्रीमान को, अल जुलानी को। अभी अल जुलानी जो है वहाँ पे संगठन चलाते हैं। इफ अ लास्टिंग सोल्यूशन, लास्टिंग सोल्यूशन का मतलब था टिकाऊ समाधान टू जिहादिस्ट कंट्रोल ऑफ इडलिब इज नॉट फाउंड, अगर इडलिब में जो जिहादियों का कंट्रोल है उसका कोई स्थायी समाधान नहीं मिला, द फ्यूचर बगदादीज एंड कुरेशीज, भविष्य में जो बगदादीज और कुरेशी जैसे लोग आएंगे, वुड ऑल्सो टेक रिफ्यूज इन दिस रीजन, वो इस इलाके में ही शरण लेंगे। देखिए, वर्ड रिफ्यूज भी होता है, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, वर्ड रिफ्यूज का मतलब होता है शरण। आप इसी से वर्ड रिफ्यूजी भी बना, एक ई लगा दो तो रिफ्यूजी बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है शरणार्थी। रिफ्यूज इन दिस रीजन, वो इस रीजन में शरण लेंगे। अनादर इम्पॉर्टेंट लेसन, दूसरा महत्वपूर्ण लेसन जो है वो ये है, द ISIS रीसेंट अटैक्स, IS के जो हालिया अटैक हैं, प्रोवाइड्स प्रदान करते हैं, इज दैट सीरियन कुर्द्स रिमेन अ की अलाई। सीरियन कुर्द्स जो हैं वो एक मुख्य आपके अलाई हैं, मित्र हैं, इन द फाइट अगेंस्ट द IS के खिलाफ लड़ने में, एज द हश का इंसिडेंट्स हैज शोन, जैसा हस का इंसिडेंट से पता लगा। हस का इंसिडेंट से क्या पता लगा है कि हस का में जेल से हजारों जिहादियों को छुड़ाने के लिए वहाँ पे IS ने अटैक किया, लेकिन वहाँ पे चूँकि ये जो आपका SDF के जो लड़ाके थे वो उपलब्ध थे, वहाँ पे खड़े थे, साथ में US फोर्सेज आ गई, तो उसको अटैक को फॉइल कर दिया, थ्वाट कर दिया, यानी उसको निष्फल कर दिया। और साथ में उनका जो अल कुरेशी है उसने कबूम कर लिया अपने परिवार के साथ, अपने आप को जब उड़ा लिया, जब उसका पीछा किया तो ऐसी स्थिति में घिर गया होगा, तो उसने अपने आप को उड़ा लिया, ये हुआ है। द US शुड नॉट थ्रो देम इन एट द मर्सी ऑफ टर्की, US को, अमेरिका को उनको तुर्की के मर्सी पे यानी दया पे नहीं छोड़ना चाहिए, लाइक द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वंस डिड, जैसा कि ट्रंप ने एक बार किया था। ट्रंप ने एक बार किया क्या बेचारा, SDF वालों को तुर्की के सहारे छोड़ दिया। तुर्की और कुर्दों का अपना शापा है, तो वो कुर्दों से नफरत करता है तुर्की, तो उसने कुर्दों को बहुत मरवाया वहाँ पे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुर्द ही हैं जो रिलायबल अलाई हैं। वंस द IS थ्रेट इज मिनिमाइज, जब IS का थ्रेट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, दे शुड बी इनकॉपरेटेड इनटू अ लार्जर रीजनल काउंटर स्ट्रेटजीज, उनको शामिल किया जाना चाहिए बड़ी व्यापक, लार्जर का मतलब यहाँ पे व्यापक, रीजनल का मतलब स्थानीय, काउंटर टेरर स्ट्रेटजी का मतलब होता है आपका आतंकवाद विरोधी रणनीति। तो वो जो व्यापक आतंकवाद विरोधी रणनीति है इस क्षेत्र में, तो उसमें उनको शामिल किया जाना चाहिए। लास्टली, अंत में, द IS हैज लर्नड, IS ने सीख लिया है हाउ टू सर्वाइव, सर्वाइव कैसे करना, जिंदा कैसे रहना है, दीज ओकेजनल सेटबैक्स, ये जो इसके बाधाएं या इसको जो हानियां होती हैं स्ने वक्त वक्त पे, इनके बीच जिंदा कैसे रहना है ये भी सीख लिया है। इट हैज लॉस्ट इट्स कैलिफेट, इसने अपनी कैलिफेट खो दी है, एंड इट्स टॉप कमांडर्स, अपनी खिलाफत खो दी है और अपने कमांडर्स को भी खो दिया है, बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ फुट सोल्जर्स, लेकिन अभी भी इनके पास हजारों लड़ाके हैं। फुट सोल्जर्स वो होते हैं जो आपके लिए जमीन पे लड़ते हैं, स्प्रेड अक्रॉस इराक एंड सीरिया, जो फैले हुए हैं इराक और सीरिया में, वेटिंग टू स्ट्राइक, जो हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। द स्टिल ओपन वूंड्स, अभी भी जो खुले हुए घाव हैं, ऑफ द सिविल वॉर, वहाँ की जो सिविल वॉर हैं, उसके सिविल वॉर को हम जो आपस में ही किसी देश या वहाँ के जो लोग आपस में लड़ पड़ते हैं उसको सिविल वॉर या गृह युद्ध कहते हैं, हिंदी में इसको गृह युद्ध कहा जाता है। इन सीरिया एंड द लिंगरिंग सेक्टेरियन सेंटिमेंट्स इन इराक़,
और जो बहुत धीरे धीरे जो स्नेह स्नेह बहुत ही मतलब सुस्त टाइप के, ऊपर नहीं दिखाई दे रहे लेकिन हैं वो सरफेस के नीचे, उनके बीच में जो सेक्टेरियन सेंटेंस सांप्रदायिक जो उनकी भावनाएं हैं इराक में, हैव लेट देम सर्वाइव सो फार, उनकी वजह से जिंदा है। इराक में शिया सुन्नी का झगड़ा है, हालांकि शिया वहाँ पे मेजॉरिटी में है, सुन्नी माइनॉरिटी में है, लेकिन जो पहला रूलिंग डिस्पेंसेशन था जो डिक्टेटरशिप थी सद्दाम हुसैन की, सद्दाम वो जो सुन्नी मुस्लिम, तो वो जो इलाका है जिससे सद्दाम आते हैं तिकरित वाला, उसमें सुन्नी बहुल इलाका है, और चूंकि वो सुन्नी बहुल इलाका है तो सुन्नी सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत धीरे धीरे जाते हैं, सत्ता चली जाती है लेकिन सत्ता के सेंटिमेंट्स मरने में समय लगता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब सत्ता के सेंटिमेंट धीरे जाते हैं तो वहाँ पे सुन्नियों के पक्ष में अच्छे खासे सेंटिमेंट्स हैं वहाँ पे, तो वो अभी भी खतरा है। एज लॉन्ग एज दी जियोपॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस, जब तक ये भू राजनीतिक और सांप्रदायिक दरारें रिमेन इन इराक एंड सीरिया, रहती हैं इराक और सीरिया में, द आईएस थ्रेट विल नॉट वैनिश, आईएस का जो थ्रेट है वो गायब नहीं होगा। ये आपका आज का आर्टिकल है जो हमने पढ़ा। इस आर्टिकल की अगर मैं समरी की बात करूं तो इसकी समरी मोटा मोटी आपको क्या कहती है, इसकी समरी ये कहती है श्रीमान, हमारा जो आर्टिकल बिगिन हुआ वो यहाँ से हुआ कि जो कुरैशी है वो हाल ही में मारा गया था, उसने अपने आप को उड़ा लिया, उन्होंने आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए हमला किया था, उस हमले में यूएस फोर्सेज ने उनको ज्वाइन कर लिया, कुर्द लड़ाकों को, कुर्द लड़ाकों जिनको एसडीएफ भी कहते हैं उन्होंने पीछे धकेल दिया, इस प्रोसेस में उसने अपने आप को एक परिवार सहित लिया, ऐसा ही किया था तीन साल पहले, काफी साल, सात साल पहले 2013 में या उसके बाद, तो उसमें किया था इनके अबू बकर अल बगदादी ने। फिर जो दूसरा पार्ट है उसमें इसके बारे में, संगठन के बारे में बताया है कि ये जो संगठन है कैसे सर्वाइव कर रहा है, इसकी पूरी की पूरी स्टोरी अगले पार्ट में बताई है कि कब से शुरू हुआ, 2013 में इसको भेजा गया था। ये बगदादी तो तीन साल पहले अपने आप को ब्लॉक किया था, इसको 2013 में बगदादी ने भेजा था सीरिया में संगठन खड़ा करने के लिए, ये है। और ये जो पूरा जो है अभी भी आईएस जो है इसकी फिजिकल कैलिफेट तो खत्म हो गई, लेकिन ये जो कॉन्फेडरेसी है इसमें अलग अलग संगठन जो ऑटोनोमसली अपना अपना काम करते हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में। और तो एक अगर इनसे निपटना है तो एक तो दो चीजें, तो इनको सीरिया के भरोसे नहीं छोड़नी, सॉरी तुर्की के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो कुर्दों को पसंद नहीं करता जैसा ट्रंप ने किया था। दूसरा कुर्दी वहाँ पे हैं जो आपके एलआई हैं, उनका जो बड़ा व्यापक रीजनल कोऑपरेशन है उसमें शामिल करना चाहिए। तीसरा इसने कहा है कि आईएस का थ्रेट जब तक नहीं जाता, ये ऐसे बगदादी जैसे लोग उगते रहेंगे जब तक इराक में जो लिंगरिंग सेक्टेरियन और जो जो सेंटिमेंट्स हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, वो नहीं चली जाती, भू राजनीति का भी पंगा है, कुछ लोग शिया सुन्नी का बड़ा झगड़ा है मिडिल ईस्ट में, तो वो उन चीजों से संबंधित है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस पे, जियोपॉलिटिक्स पे अगर ऐसा कोई आर्टिकल आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।